हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको बताएंगे महंगाई के चक्के में पिसी आवाम पर हुकूमत की जानब से एक और बम गिरा दिया गया है। नेप्रा ने बिजली फी यूनिट 4 रुपये 30 पैसे महंगी करने का ऐलान कर दिया है। बढ़ती कीमतों पर ताजी बरादरी मैदान में आ गई। ताजी बरादरी ने हुकूमत को बिजली की कीमतों में कमी के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। तब्दीली सरकार ने मुतवस्सित तबके की चीखें निकलवा दी। महंगाई के हाथों तंग गरीब और मुतवस्सित से बिजली की कीमतों में 4 रुपये 30 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिस पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। जो हमने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं वो आज भी आप देख लें कि उन्होंने असेंबली से जबरदस्ती बिल पास कराया, ये जैसे भी कराए वो बिल पास हो गए। अब हम जितना भी एहतजाज करेंगे वो यही कहेंगे कि देखे जी ये तो बिल पास है, ये तो हम ले नहीं सकते, ये कौमी असेंबली ने पास किया, सिर्फ $1 अरब के खातिर पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया गया है। जिसका 10,000 रुपये बिल आ रहा था, अभी उसका अपना 4 साढ़े 4 अपना 14,000 रुपये हो गया है। 10,000 बेचारे गरीब आदमी पिस रहे हैं बहुत बुरी तरह। हम हफ्ते को इसका फैसला करने के लिए जा रहे हैं और अगले ही हफ्ते के अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा। ये जो कुछ हो रहा है अब तबाही के अलावा कुछ नहीं। ताजरों का कहना था कि वो पहले ही बाकायदगी से टैक्सेस अदा कर रहे हैं। ना तजर्बा कार हुकूमत की बदौलत मुल्क की माशी सूरत हाल मुतासिर हो रही है। आए रोज बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना महाल कर रखा है। 4.5 रुपये यूनिट बढ़ाया है, उसके साथ जो ये FPA जिसका कोई नाम ही नहीं है कि अगर 45 यूनिट घरेलू सार्फिन ने इस्तेमाल किए हैं तो 3,000 रुपये का बिल हो गया। वो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बारे मामले में हुकूमत और महकमा ये गुंडागर्दी कर रहा है, इसको बंद किया जाए। ये बिजली का इन्होंने जायज टैक्स लगा दिया है और रेट बढ़ाए हैं, ये हमें नामंजूर हैं। अगर इन्होंने वापस ना लिया तो एहतजाज करेंगे। ताजुरा कहना था कि हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करे वरना वो मुल्क गिर एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। क्लीन एंड ग्रीन मुल्तान कमीशन हुआ नाकाम। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की हर थर्मी को कौन डालेगा लगा। पुलचा वाला ग्रीन बेल्ट में गंदगी के अंदर है, शहरी हरियाली गायब होने पर शिकवा करना है। इंतजामिया से ग्रीन बेल्ट की बहाली का मुतालबा कर दिया। मुल्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का ख्वाब पूरा ना हुआ, इंतजामिया के तमाम दावे हवा हो गए। शहर की ग्रीन बेल्ट्स में गंदगी के ढेर, पुलशा वाला की ग्रीन बेल्ट कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी है। ग्रीन बेल्ट में जानवर बांध दिए गए, यहाँ सारा कचरा होता है और लोग अपनी माजगाह बनाते हैं यहाँ पार्किंग वगैरह सिस्टम, और ये देखें आपके सामने कितना कचरा है। रोज कहते हैं, रोज फंड वगैरह आते हैं लेकिन कोई भी यहाँ नहीं लगाता। इलाका मकीन कहते हैं PHA ने ग्रीन बेल्ट की सफाई के वादे तो बहुत किए लेकिन काम नहीं हुआ। कई साल गुजर गए, ग्रीन बेल्ट को नहीं बनवाया जा सका। शिकायत तो बहुत सारी की है तो पर कोई 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 सुनता नहीं है। हम कहते रहते हैं, वो इदारों सब मुंसाब को कहते रहते हैं पर कोई हमारी सुनता नहीं है। अहले इलाका का मजीद कहना था कि लोगों ने ग्रीन बेल्ट में जानवर बांध लिए हैं, आला हकाम नोटिस लें। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। महकमा की नाकिस मनसूबा बंदी। ईदगाह ताज चौक कुम्हारा वाला रोड का मनसूबा शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने असर नो तखमीना लगाने के लिए मनसूबा पंजाब सरकार को भिजवा दिया है। सबसे मसरूफ रोड का मनसूबा एक बार फिर लटक गया। खानेवाल रोड की तोसी का मनसूबा नाकिस मनसूबा बंदी की वजह से शुरू न हो सका। रवा साल ही सड़क की असर नो तामीर के लिए मंजूरी दी गई। 1 अरब की स्कीम के लिए 15 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। हाईवे की स्कीम्स हैं जिसमें मथीतल रोड है और उसके अलावा जो है वो ईदगाह चौक टू चौक कुम्हारा वाला जो है, ये दो प्रोजेक्ट हैं जिनकी कम्प्लीशन जो है वो 2023 एंड 2024 रिस्पेक्टिवली है। मंसूबे का कम तखमीना लगाया गया। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फंड्स न होने के बाद स्कीम को वापस भेज दिया। जराय का कहना है कि मंसूबे का 80% तखमीना लगाया जाएगा। छुट्टी के टाइम काफी रश होता है रोडों पे, आमदोरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है, रोड बहुत तंग है पहले वाले। हुकूमत को चाहिए कि रोड खुले करवाएं। महकमा हाईवे का कहना था कि मंसूबे के तहत 2 लेन रोड और सर्विस रोड बनना था। कैमरामैन राना बिलाल के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नाहली मोहल्ला फरीदाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। सुई गैस है और ना ही सफाई सुथराई का इंतजाम, सीवरेज का भी नाकिस निजाम। अहले इलाका दोहरे अजाब में मुबतला है। शहर का महल्ला फरीदाबाद मसाइलिस्तान बन गया। गैस न होने के बाद शहरी महंगी लकड़ियाँ और LPG जलाने पर मजबूर हैं।
जबकि सीवरेज और सफाई के भी नाकिस इंतजामात हैं। गैस भी नहीं है इधर, हम बहुत मुश्किल में हैं, ठीक है ना। और दूसरा इधर जमा दवासा का बड़ा मसला है, ना जमादार झाड़ू लगाने आता है, ना ये नाली खोलने आता है, ना कचरा। हम खवातीन आपस शेयर करके समझो वहाँ तक फेंक के आती हैं, छोटी छोटी बहू बेटी हैं, कहाँ जाएं। इलाका मकीनों का कहना था कि लकड़ियाँ और LPG खरीद खरीद कर थक चुके हैं, यकीन नहीं आता कि वो इस जदीद दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। गैस का बहुत बड़ा मसला है जी, बहुत ज्यादा जलील है, लकड़ियाँ ले लेकर हम तो तंग आ गए हैं, प्लीज इसके बारे में कुछ एक्शन लिया जाए, बहुत ज्यादा तंग है। अहले इलाका का कहना था कि यहाँ ना सफाई कंपनी का कोई अहलकार आता है और ना ही वासा का, आला हकाम मसाइल हल करवाएं। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। मियावाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाहली सफाई के नाकिस इंतजाम, शहर कचरा कंडे का मंजर पेश करने लगा। गंदगी के बायस हर तरफ बदबू, सांस लेना भी मुहाल हो चुका। म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली की नाअहली सामने आ गई। सफाई अमले ने शहर में ही डंपिंग पॉइंट बना दिया। इंफॉर्मेशन ऑफिस के साथ गंदगी के ढेर लग गए, जबकि मुतअद्दिद सरकारी दफातर और निजी हस्पताल भी करीब हैं। शहरियों का कहना था कि ताफुन के बायस दुकानों में बैठना मुहाल हो गया है। इन्होंने पता नहीं कितना अरसा हो गया है सर, ये इन्होंने यहाँ पे एक यूनिट बनाया हुआ है, यानी कि सारी की सारी शहर की गंदगी जो लेके आते हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं। इनको ये भी एहसास नहीं होता कि आजकल जैसे डिफरेंट किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों का कहना था कि अस्पतालों का फजल अभी शहर के दरमियान डाला जा रहा है, अगर इस सिलसिले को बंद ना किया गया तो वबाई अमराज भी फैल सकते हैं। दफ्तर लाल है जी, बड़े परेशान हैं जी, कोई सफाई का निजाम नहीं है जी, धर्म भरम पड़ा पड़ा है, बीमारी फैल रही है, रोज रोज गंदगी आके डाल देते हैं जी, इधर कोई सफाई का निजाम नहीं है इधर। शहरियों ने डंपिंग पॉइंट शहर से बाहर मुंतकिल करने और सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा अस्पताल मसाइल का शिकार है। विक्टोरिया अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन 2 माह से खराब है, मरीज और उनके लवाहकीन मुश्किल का शिकार है। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल दूर दराज से इलाज की गर्ज से आने वालों के लिए उम्मीद की किरण है। सिटी स्कैन मशीन खराब होने की वजह से उन्हें टेस्ट बाहर से करवाने पड़ते हैं। सिटी स्कैन मशीन खराब है, इसकी वजह से ये ज्यादा देखे पेशेंट्स यहाँ लाइन में लग गए। एक पेशेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर की सर्जरी हुई है, वो बहुत ज्यादा देर बैठ नहीं सकती है, तो जब यहाँ पे वेट करना पड़ता है और कोविड की सिचुएशन है तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े विक्टोरिया अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन 2 माह से खराब है, जिस पर मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है। ये कह रहे हैं अभी टाइम नंबर लगा हुआ है, अभी बैठे हैं, 11 बजे का गया, 11 बजे से टाइम ऊपर हो गया है। अस्पताल में एक सिटी स्कैन मशीन फंक्शनल है, इजाफी बोझ पड़ने से इसकी खराबी के इम्कान भी बढ़ गए हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान के बेशतर बड़े सरकारी अस्पताल गुज़श्ता कई माह से मुस्तकिल सरबराह से महरूम हैं। अस्पतालों के हालात दिन ब दिन मजीद बिगड़ने लगे हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में MS के आसामी पर इजाफी चार्ज पर अफसरान को तैनात किया गया है। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अहदे पर भी इजाफी चार्ज पर अफसर मौजूद है। निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डायग्नेस्ट्री में और निश्तर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की आसामी पर इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, पंजाब हुकूमत हेल्थ कार्ड की प्रिंटिंग के लिए 70 करोड़ रुपए का ठेका देगी, वर्किंग शुरू कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब के 11 अजला में सेहत की मुफ्त सहूलियात के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। प्रोग्राम के तहत अब सेहत कार्ड के प्रिंटिंग का ठेका देने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। जराए ने बताया गया है कि सेहत कार्ड की प्रिंटिंग के लिए 70 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया गया है। खानेवाल में पाकिस्तान किसान इतिहाद का कन्वेंशन, पाकिस्तान किसान इतिहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी अनवर का रवा माह से बिजली के बिल अदा करने के बजाय वापडा दफ्तर के बाहर चलाने का ऐलान सामने आया है। कहते हैं कार्ड न मिलने पर जिला के DC ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा। आल पाकिस्तान किसान इतिहाद कन्वेंशन में पाकिस्तान किसान इतिहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी अनवर ने हुकूमती पॉलिसियों को आड़े हाथों लिया। कहते हैं किसान यूरिया खाद के हसूल के लिए लाइनों में लगा है। यूरिया है वो 1768 रुपए रेट है, बाद दिनों में AC कहता 2100 में खरीदारी होगी, 2100 में खरीदो। जिस जिले में AC ये बात कहता रिकॉर्ड करो, मैं वादा करता हूँ दूसरे दिन AC को दफ्तर नहीं बैठने देंगे।
आल पाकिस्तान किसान इतिहाद कन्वेंशन में मुल्क भर से किसान इतिहाद के अहदेदारों ने शिरकत की। जिलाई सदर मोहम्मद वसीम ने कहा, किसान इतिहाद के मुतफिका फैसले के मुताबिक तमाम किसान बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। वापडा की ओवर बिलिंग और वापडा के नजायज टैक्स, FPA, QTR, FC सरचार्ज, आधा हमारा बिल है 20,000 और टैक्स टैक्स डाल के वो बन जाता है 80,000, ठीक है। तो वो किसान पे नहीं कर सका, किसान के पास आप बेचने के लिए भी कुछ नहीं रहा, यूरिया ब्लैक में मिल रहा है। किसान इतिहाद खवातीन विंग की सदर जाहिदा हसन जोया ने कहा, खवातीन किसान वर्कर्स भी किसान इतिहाद के धरने में शिरकत करेंगी। मेरी जहां तक कोशिश होगी अपनी पूरी तंजीम को लेके, अपनी पार्टी को लेके, ओवरऑल तो किसानों के लिए, लेकिन स्पेशली जो खवातीन है किसान है, क्योंकि गांव की तो ऑलमोस्ट सारी जो खवातीन है वो ज़राअत पे डिपेंड करती हैं, तो उनके लिहाज से मैं इंशाल्लाह अपनी तमाम कोशिशें जारी रखूंगी। पाकिस्तान किसान इतिहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी अनवर ने कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते में मरकजी धरने की तारीख का ऐलान करेंगे। आज के होने वाले पाकिस्तान किसान इतिहाद कन्वेंशन में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया कि मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। वजीर अला पंजाब के नाम पर सादा अफराद को लूटने वाला गिरोह पुलिस के हथे चढ़ गया। DPO मोहम्मद अली वसीम का कहना था कि गिरफ्तार मुलजमान से लाख रुपए, सर्विस बुक्स, जाली मोहरे और ऑर्डर बरामद किए गए हैं। मौसम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DPO मोहम्मद अली वसीम का कहना था कि जॉब स्कैंडल में खातून समेत नौसरबाज ग्रोह के 3 अफराद पकड़े गए हैं। जैलसाज ग्रोह 2008 से लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर लूटता आ रहा था। हेडमिस्ट्रेस शिना कुलसुम के घर और स्कूल से अहम दस्तावेजात बरामद कर ली गई हैं। अब तक 3 अफराद गिरफ्तार हैं। जब मैडम का हमने शामले तफ्तीश किया और उनका हमने मोबाइल डेटा और उनका सारा जो ये दो बंदे थे इनके साथ जो कम्युनिकेशंस हैं, मैडम की जो अलमारी, जो ऑफिस है, मैडम के जो घर है, वहाँ से जो एविडेंसेस जो हमने इकट्ठी की, तो पता चला कि ये 2008 से ऑपरेट कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम का मजीद कहना था कि दस्तावेजात की तैयारी के लिए जाली मोहरें, लैपटॉप और दीगर आलात भी बरामद कर लिए गए हैं। हिना कुलसुम जहां जहां तैनात रही, नौकरी का झांसा देकर लोगों को लूटती रही। इनके घर से जो है वो लैपटॉप, इनके घर से प्रिंटिंग डिवाइसेस, इनके घर से जेली मोरें, जेली ऑर्डर्स जो भी हम आपको दिखाएंगे वो बरामद हुई। DPO मोहम्मद अली वसीम का मजीद कहना था कि 30 से ज़ायद अफराद से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, जबकि मजीद तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन अब्दुल कादिर कैमरा, रजा मलिक, कौसा शरीफ।